अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, अज असी अपने किचन दे विच बना रहे हां तिल दी चिक्की, जिन्हों तुसी तिल दी गचक भी बुला सकते हो। हुण तुहानू दसने हां कि असी इह किस तरीके नाल अपने किचन दे विच तैयार कर रहे हां। नाज़रीन, असी जिहड़ी चिक्की तैयार कर रहे हां, तिल दी चिक्की, उहदे वास्ते असी अद्धा कप तेल लए ने, सफेद तेल, ते अद्धा कप ही असी चीनी दा इस्तेमाल करांगे। आओ हुण असी तैयार करने हां कि तिल दी चिक्की असी किस तरीके नाल बनावांगे। नाज़रीन, असी खाली बर्तन दे विच हल्की अग्ग ते तिलों नूं चम्मच चलांदे जाना है ते भुंदे जाना है, जिदों तक तिलों दे विचों एक शोर ना सुनाई देना लग जाए, उदों साढ़े तिल बिल्कुल भुने जाणगे अच्छे तरीके नाल। नाज़रीन, तिल भुनन दे बाद हुण असीं चीनी मेल्ट करांगे, ते चीनी मेल्ट करन वास्ते सानूं किसी भी पानी वगैरह की जरूरत नहीं। असीं खाली बर्तन नूं गर्म करके उहदे विच चीनी मेल्ट करांगे। नाज़रीन, मुसलसल ही असीं चम्मच चलांदे रहांगे, नहीं तो साड़ी चीनी जल जाएगी, मेल्ट होंदी होंदी जल जाएगी। नाज़रीन, साड़ी चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, हुण ते बिल्कुल भी चम्मच नहीं रुकना चाहिए। देखो नाज़रीन, मेल्ट करते करते चीनी की यह शक्ल हो गई है। दस तो 15 मिनट लगते ना चीनी बेहतरीन मेल्ट हो जाती है। तकरीबन मेल्ट हो ही गई है चीनी, तो चीनी ने अपना रंग भी बदल लिया। जो बाकी दी भी चीनी अच्छे तरीके ना मेल्ट हो जाएगी, तो एक चम्मच असी ये ऑयल शामिल कर देंगे। ताड़ी मर्जी है, तुसी ऑयल, घ्यो, मक्खन कुछ भी ये शामिल कर सकते हो। नाज़रीन, असी बिल्कुल मेल्ट हो गई चीनी, जो असी ऑयल चम्मच खाने का पाना सी असी वो भी शामिल करके इन अच्छे तरीके ने मिक्स कर लिया। हुण इहदे विच जो तेल असी फ्राई किया सी असी वह शामिल करके जल्दी नाल इहनूं मिक्स कर देना।
ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਲੱਕੜੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਵੇਲਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕਣੇ ਵੇਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜਾਂ ਗੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੀਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਟੁਕੜੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ 30 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ 30 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਕੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਚਿੱਕੀ ਕਿਤਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰੰਚੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਚਿੱਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੈਸੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚਿੱਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।